चौधरी उत्तम सिंह जी, आदर और सम्मान के योग आज की इस सभा का जो आयोजन किया है पूर्व कमांडेंट हवा सिंह साहवान जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जनता राष्ट्रीय संघर्ष समिति, आदर और सम्मान के योग सभी जो हमारे मेहमानगण, आदर और सम्मान के योग दूर दराज से आए हुए सभी हमारे बुजुर्गों, युवा साथियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम उन दानवीर शेख साजू राम जी की मूर्ति का अनावरण माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी हुकम सिंह जी के द्वारा करवाएंगे। सरदारों, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हवा सिंह साहवान जी का कि उन्होंने ये शुरुआत की और हम लोगों के अंदर भी ये जज्बा जगाया कि जहां जहां भी जैसे भी मौका मिले हमारे अपने जितने भी पूर्वज हैं, जो भी हमारी कौम के लिए, देश के लिए कुछ करके गए हैं, उनका नाम ऐसे चौक चौराहे पर मूर्तियों के द्वारा, उनका कोई भी कहीं भी जैसे भी पत्रकार जैसे भी आपके सामने कंप्लेंट दी जा रही है, जहां भी आपको मौका मिले वहां पे उनकी चर्चा होनी चाहिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि हम क्या हैं और हमारे समाज के अंदर कौन क्या क्या रह चुके हैं, क्योंकि आज की तारीख में यही एक कमी हमारे अंदर महसूस की जाती है कि आज हमारे घरों में और हमारे जितने भी पुस्तक है और उनमें इतनी कमी है कि हम अपने जितने भी क्रांतिकारी रहे, जैसे भी बताया गया, उनके फोटो भी हमारे घर में नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही आज बड़ी बात है कि इस चौक का नाम शेख साजू राम चौक आज के बाद पड़ जाएगा और जब ये चौक जाना जाएगा वो शेख साजू राम चौक के नाम से जाना जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शेख साजू राम जी का जो जीवन है वो सभी हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। एक गरीब घर से निकल के, एक किसान के घर से निकलने के बाद और उन्होंने कितनी तरक्की की और हमारे जाट समाज का नाम जो ऊपर उठाया उसमें जो योगदान उनका रहा, मैंने खुद जब उनका परिचय जाना तो इतना हर्ष हुआ कि मैंने कई ऐसी अपने इलाके में मीटिंग ली कि अगर कुछ सीखना है तो शेख साजू राम जी से सीखो, अगर हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले ये जो पुस्तक आपको दी गई है, जो भी लिटरेचर है और जहां से भी उनका आपको कहीं से भी कोई भी लिटरेचर मिले, अपने घर में अपने बच्चों को एक बार जरूर पढ़ाए, क्योंकि उनकी जीवनी पढ़ने के बाद मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर वो ज्ञान प्राप्त होगा कि जिसकी आज उसको जरूरत है। शेख साजू राम जी जब पढ़ने के बाद, देखिए उनको जो उपाधि दी है चौधरी तो वो है, सबको पता है, लेकिन जाटों को सेठ कहना ये अपने आप में उपाधि है। और मैं ये कहता हूँ चौधरी तो हम थे और हैं और रहेंगे, लेकिन सेठ कभी ना थे ना है और शायद बनेंगे भी नहीं। तो ये पहले ऐसे सेठ बने हैं, तो मैं तो कहता हूँ सेठ चौधरी साजू राम जी अगर बोला जाए तो उनका उचित वर्ड है, लेकिन सेठ के नाम से जाटों को पहचाना जाना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हम चाहते हैं कि आज ये समय आ भी गया है कि जो ये सेठ हैं, हकीकत के जो सेठ बने हुए हैं, ये खेतीबाड़ी करें और जितने जाट हैं ये सब सेठ बने। ये कब बनेंगे? जब सेठ चौधरी साजू राम जी की जीवनी को पढ़ेंगे, जब उनकी जीवनी को पढ़ने के बाद हमारे बच्चों को ज्ञान होगा कि कारोबार कैसे किया जाता है, कारोबार कैसे कर सकते हैं और कारोबार करने के बाद हम कहां तक पहुंच सकते हैं। उनकी जीवनी में एक बात लिखी है कि शेख बिड़ला उनके किराएदार थे, ये छोटी बात नहीं है सरदारों अपने समाज के अंदर। तो मैं आप लोगों से एक ही विनती करता हूं कि आज डॉक्टर रमेश धनखड़ सीएमओ भिवाड़ी ही पहुंच चुके हैं और पीके चोरी रास्ते में पूछने वाले बातों बात करें। मैं तो एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं
बार बार इसी बात पे आप ध्यान दें कि सर छोटू राम, शेख चौधरी छाजू राम, ये एक ऐसे नाम है जो हमारे बच्चों को उनकी जीवनियां कंठस्थ याद होनी चाहिए। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है स्कूलों के अंदर कि आप ये कविता याद करो, तो ऐसे ही शेख छाजू राम को भी अपने घरों के अंदर इनका प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने से आप समाज का भला करेंगे और आने वाली पीढ़ियों का भला करेंगे। एक छोटी सी बात जो अभी चली हुई है, मैं बीच में जरूर कह दूं कि जाट समाज के लिए आरक्षण का मुद्दा 5 साल होने को जा रहे हैं उसको, तो उसमें भी आपको बढ़ चढ़ के आगे योगदान करना पड़ेगा, क्योंकि जब जाटों को आरक्षण मिलेगा तभी हमारे बच्चे आगे आज के समय में जा सकते हैं। समय का परिवर्तन हो चुका है और समय के परिवर्तन के अनुसार जाट समाज को आरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपकी जानकारी में है भी, और मैं बताना चाहता हूँ आपके समक्ष जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी हुकम सिंह जी बैठे हैं, पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये पहले जाट समाज में ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने जाट समाज को आरक्षण दिलवाया, इसलिए इनका ताली बजा के आप स्वागत करेंगे भी हमारे बीच में जो बैठे हैं। अब ये तो उसके बाद भजनलाल की सरकार आ गई और उन्होंने हटा दिया, ये सब जानते हैं, लेकिन एक बार दिलवाया तो इसका मतलब ये है कि हम उसके पात्र तो हैं ही। अब ये सरकारें जितनी भी आ रही हैं, इनको जाट समाज से कोई लेना देना नहीं है, ये तो कह देते भी हमारा तो तुम्हारा तो मुख्यमंत्री बना रखा है, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला जी आए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, इनको तो ये कह के इन सरकारों ने कह दिया भी तुम्हारा मुख्यमंत्री बैठा है, तुम्हें क्या जरूरत है। अरे मुख्यमंत्री तो एक ही है, लेकिन ये समाज तो लाखों लाख में है, करोड़ों में है, तो इनके बच्चे कहां जाएंगे। तो इनके बच्चों को आज जाटों के आरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपकी जानकारी के लिए थोड़े में बता दो, हमने 15 अगस्त तक का समय दे रखा है। 15 अगस्त के बाद अगर 15 अगस्त तक केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने आरक्षण नहीं दिया, तो 15 अगस्त के बाद दिल्ली में, दिल्ली के जंतर मंतर पे इतने ज्यादा जात इकट्ठे करने आप लोगों ने कि सरकार को पता चल जाए कि भाई अब इनको आरक्षण देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से यही विनती करता हूं कि एक तो शेठ छाजू राम जी की जीवनी आप अपने घर में रखें, अपने आने वाली पीढ़ी को और मौजूदा पीढ़ी को इसका आभास हो के एक आम घर गरीब किसान से उठ के आदमी कहां तक पहुंच जाता है। और दूसरा आरक्षण के लिए, और सागवान साहब जैसे आपके बीच में है जाट समाज के लिए निरंतर रात दिन 24 घंटे आपके बीच में रह के काम कर रहे हैं, तो इनका साथ आपने देना है। और भिवानी तो वैसे ही जागरूक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जाट। धन्यवाद धवल साहब। हाँ तो सब आगे हैं, अभी आगे का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि चौधरी हुकम सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, उनसे बेनती करूंगा कि वो ऊपर जाकर के चौधरी छाजू राम की मूर्ति का अनावरण करें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं। पॉलिथिन तो हटाते, और पॉलिथिन हटाते
चेयरमैन साहब है आप पूरे ही आ जाओ ना थोड़ी और आ जाए बस और क्या था भी थोड़ा सा हम लोग पूरे हरियाणा से अलग अलग जगह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए मेरे बुजुर्गों जवान साथियों, आज का जो कार्यक्रम है हमारे लिए बड़ा उत्साह का है और इसको हमने कायम रखना चाहिए। अब कार्यक्रम की शुरुआत होगी हमारे पूर्व कमांडेंट हवा सिंह सांगवान चौधरी साहब को स्वागत करेंगे। अब मैं माइक सांगवान साहब को दूं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं नभे सिंह पूर्व सरपंच पपोसा से विनती करूंगा कि वे हमारी म्युनिसिपैलिटी के जो चेयरमैन है अभी विजय पंचकामा उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करें। हमारे युवा अध्यक्ष हैं म्युनिसिपैलिटी के और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि काफी हमारे लिए भवानी शहर के लिए काफी अच्छे काम करेंगे। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रताप कौर से कि वे हमारी जो म्युनिसिपैलिटी की पूर्व अध्यक्ष सेवादेव ढिल्लों का मेरा मेला माला पहना करके स्वागत करें। श्रीमती सेवादेव ढिल्लों ने जब चेयरमैन थी उस समय 22 सितंबर 2009 को इस चौक का नाम कोई छजराम चौक कर दिया था और ये प्रस्ताव म्युनिसिपैलिटी ने पास किया था। तो मैडम का बहुत बड़ा हाथ है और सही पूछी जाए तो इस मूर्ति की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। साथ साथ किताबों देवी हमारे सेंटर की बहुत जुझारू कार्यकर्ता है और महिला विंग की भिवानी जिले के अध्यक्ष भी है। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमेश सिंह बामला से, सुबेदार उमेश सिंह बामला आकर के डॉक्टर उमेश धनखड़ सीएमओ भिवानी को यह माला पहना करके उनका स्वागत करें। और डॉक्टर धनखड़ को हम सभी जानते हैं
ये कितने सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं और बहुत लोगों को आंखें दी हैं जो आज इस दुनिया को देख रहे हैं, और उनको उम्मीद है कि डॉक्टर साहब भविष्य में इसी प्रकार से समाज की सेवा करते रहेंगे। गए साहब तो गए नहीं गए, फोन फोन आएगा था कोई तो नहीं देना ने बात। चलो कोई बात नहीं, बाद में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं धर्मेंद्र सोरान, उनका जो है स्वागत करेंगे कपूर सिंह धराना। रामकुमार सरपंच, पूर्व सरपंच धराना रामकुमार स्वागत करेंगे। इसके बाद हिसार शिक्षण संस्था जांच संस्थाएं हैं, उनके अध्यक्ष हैं और लॉकडाउन के नेता भी हैं, और इसके अलावा चौधरी छाजूराम के परिवार संबंध रखते हैं सुनील लांबा, और उनका स्वागत करेंगे। जोगेंद्र सिंह तालू, धन्यवाद। उसके बाद चौधरी छाजूराम के पोते डीके चौधरी, एक्स एमएलए हासी, उनका स्वागत करेंगे। पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर अजीत सिंह सांगवान, धन्यवाद। उसके बाद जब चौधरी छाजूराम ने बिहाड़ी में पैसे दिए, पैसे लगाए और जो काम हुए उन कामों को करवाने वाले थे चौधरी घासीराम, वो धनगढ़ गोद से थे, छुड़ानी गांव से थे और 1927 से लेकर 1932 तक तहसीलदार रहे और उनको बाद में राव बहादुर की पदवी मिली। उनके पोते प्रेम धनखड़ यहां आए हुए आज वहां से और उनका स्वागत करेंगे। फोन कॉल आ रही है भिवाणी। धन्यवाद। मैं यहां पर चौधरी उत्तम सिंह जी हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, इसके अलावा हमारे दूसरे स्पेशल विशिष्ट अतिथि आए हैं, उनका और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां आए और ये जो फंक्शन था इसको आपने कामयाब बनाया। मैं 2 मिनट के लिए बोलना चाहूंगा जो इन छात्राओं के बारे में। सवाल यह है कि मूर्ति उनकी